इंदौर में आज 14 लोगों ने अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया, साथ ही 4 लोगों ने घर वापसी की। गुरुवार को इन सभी ने खजराना गणेश मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की, फिर मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। हिंदू धर्म अपनाने वालों में अधिकांश खजराना इलाके के हैं, जबकि 2 लोग मंदसौर के रहने वाले हैं। खजराना के हैदर से हरिबने शख्स ने बताया कि आज 14 लोग जो पूर्व में मुस्लिम समाज के माध्यम से जीवन यापन कर रहे थे, आज वे 14 लोग सनातन धर्म में प्रवेश किया है। मैंने मेरे परिवार को भी धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म में वापसी कराई है, क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति हूँ। मैंने काफ़ी अध्ययन कराया है। अध्ययन करने के उपरांत मुझे वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त हुई। वास्तविकता में सनातन धर्म है जो सदैव से है और सदैव रहेगा, जिसका ना कोई अंत है ना प्रारंभ। तो वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त होने के बाद मेरे अंधकार वाले जीवन से प्रकाश वाले जीवन में मुझे परिवर्तित करा। हमारे पूर्वज पूर्व में सनातन धर्म में थे, या हमारे धर्म में परिवर्तन नहीं है कि हमने घर वापसी की है। हमारे घर में फिर से लौट आए, वही धर्म परिवर्तन के बाद विधर्मियों द्वारा मुझे धमकाया भी जा रहा है और मेरे घर पर तोड़फोड़ की गई। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। 4 लोगों का शुद्धिकरण हुआ है और 14 लोग जो पूर्व में मुस्लिम समाज और मुस्लिम पूजा पद्धति के माध्यम से अपन जीवन व्यापित कर रहे थे पूर्व से ही अपने जीवन काल से, तो आज वो 14 लोग अपने सनातन धर्म में प्रवेश किए हैं। और 27 अप्रैल को एक कार्यक्रम हुआ था घर वापसी का, उसमें मैं हैदर शेख से हरिनारायण बना था जी, और मेरी भी घर वापसी हुई है। और मैंने, क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति हूँ और मैंने काफ़ी अध्ययन करा है, अध्ययन करने के उपरांत मुझे वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त हुई कि वास्तविकता में सनातन धर्म है क्या। तो सनातन धर्म जो सदैव से है और सदैव रहेगा, जो चिरकाल से है चिरकाल तक रहेगा, जिसका ना कोई अंत है ना प्रारंभ है। तो वास्तविकता की अनुभूति प्राप्त होने के बाद उसके उपरांत संतोष जी भाई साहब, खगेंद्र जी भाई साहब जो हमारे घर वापसी का काम देखते हैं और विश्व हिंदू परिषद के हैं, उनका मार्गदर्शन, उनको महापुरुषों की दृष्टि में रखना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अंधकार वाले जीवन से मेरे प्रकाश वाले जीवन में मुझे उन लोगों ने परिवर्तित करा।